हाँ जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। जब बच्चे को ये क्वेश्चन आता है तो बच्चा हाई लेवल पे सोचना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि शायद एप्लीकेशन में इंटीग्रेशन लगेगी, लेकिन कॉम्पिटिशन में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इसके बारे में आप लोगों को पता है ये एक सर्कल होता है। सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होता है, एक्स वाई वाली कोई टर्म नहीं होती, और जो साइड में कांस्टेंट टर्म होती है वो उसका स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर रूट जो होता है वो उसका रेडियस होता है। इसका मतलब इसका रेडियस जो है बच्चों 3 है। अब आपने ज्यादा माथा पच्ची नहीं करनी, कोई टॉप माइनस बॉटम नहीं करना, राइट माइनस लेफ्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, कॉम्पिटिशन करना है, शॉर्टकट लगाना है और सीधा आंसर लिखना है। ये आपने सेकेंड क्लास में सीखा था कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसका आंसर होगा पाई इंटू 3 स्क्वायर, तो 9 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना आपने, कुछ नहीं करना, बस आपने इसको इस तरह करना है। अब बाई चांस कभी आपको क्वेश्चन इस तरह आ जाता है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब बच्चा घबरा जाता है, कहता है इसके बारे में तो कोई शॉर्टकट मुझे मालूम नहीं था। बच्चों ये भी एक सर्कल बन रहा है, इसका रेडियस क्या है, 3 है, तो इसका भी एरिया क्या आने वाला है, इसका 3 है, पाई इंटू 3। तो ये क्या आएगा बच्चों, 9 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये बात आप लोगों को समझ आई बच्चों। अब इसी तरह क्वेश्चन अब आपको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, शॉर्टकट नंबर 2 बताते हैं। आप लोगों को मालूम है कि जो एलिप्स होता है वो किस तरह का होता है। अब बच्चों आपको इस तरह दिया हुआ है और इधर आपका 1 दिया हुआ है, और वो कहता है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाई दिस। आपने सिर्फ और सिर्फ पहचान करनी है ये आपका एलिप्स है, और एलिप्स का जो एरिया होता है बच्चों पाई ए बी यूनिट होता है। क्या होता है बच्चों, पाई यूनिट। तो अब बच्चों जैसे सपोज आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो ए जो है यहां पर बच्चों 3 है, बी जो है बच्चों क्या है 2 है, तो एरिया होगा पाई इंटू 3 इंटू 2, तो ये होगा बच्चों 6 पाई। इस तरह फटाफट आंसर आपने निकाल देना है, ठीक है प्यारे बच्चों।